नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या छुपाने के लिए ध्रुव पैथोलॉजी पर कार्रवाई। कोविड 19 के संदर्भ में आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले रामदास पेट स्थित ध्रुव पैथोलॉजी लैब पर मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी ने 5 लाख रुपए की दंडात्मक कार्रवाई की है। साथ ही अगले आदेश तक इस पैथोलॉजी में जांच का काम स्थगित करने का आदेश भी दिया है। मनपा द्वारा कोविड जांच की अनुमति प्राप्त पैथोलॉजी की आकस्मिक जांच की गई थी। जांच में ध्रुव, सुविश्वास व मेट्रो लैब में आईसीएमआर के निर्देशों का उल्लंघन पाया गया था। ध्रुव लैब में जाँच किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े और ऑनलाइन पंजीयन एंट्री में काफी अंतर पाया गया था। ध्रुव पैथोलॉजी में 5 से 7 सितंबर तक 1407 मरीजों की जांच की गई थी, लेकिन सिर्फ 571 की ही जानकारी मनपा को दी गई थी। 836 मरीजों की जानकारी छुपाने का मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद मनपा आयुक्त ने यह कार्रवाई की है। तो वहीं दूसरी ओर बिना मास्क पहने घरों के बाहर घूमने वालों के खिलाफ अब 500 रुपए दंड वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मनपा के एनडीएस दस्ते ने सभी 10 जोन में 164 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 82,000 रुपयों का जुर्माना वसूल किया। दस्ते ने पिछले कुछ दिनों में कुल 5,634 गैर जिम्मेदार नागरिकों से दंडात्मक कार्रवाई कर 11,76,000 रुपयों की वसूली की है। बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वही बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि मानकापुर स्थित विभागीय क्रीडा संकुल में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने के प्रस्ताव पर 1 सप्ताह के भीतर फैसला ले। मनपा आयुक्त ने 19 अगस्त को यह प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए उपरोक्त आदेश दिया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।